नमस्कार, रोशन भव सिटी दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। और बीते हफ्ते की ऐसी खबरें जो जाननी जरूरी है, उन्हीं को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया, हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और छतबीड जू में डायनासोर पार्क बना। लेकिन सबसे पहले भाई और बहन के प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम के साथ मनाया गया। बहनों ने भाई की कलाई पर प्रेम का धागा बांधा और भाइयों ने भी हंसते मुस्कुराते ताउम्र अपनी बहनों का साथ देने का, उनकी रक्षा करने का वचन दे डाला। भाई और बहन के प्रेम का रक्षा का त्यौहार है रक्षाबंधन। देशभर के साथ साथ चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में भी यह त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भाइयों की कलाई पर रेशम का धागा या राखी बांधकर बहनों ने ताउम्र रक्षा करने का वचन ले लिया और भाइयों ने भी खुशी खुशी बहनों को ताउम्र रक्षा देने या हर स्थिति में साथ देने का वचन दे डाला। सुबह से ही बहनों और भाइयों ने स्नान कर पूजा अर्चना की, भगवान के समक्ष माथा टेका। बहनों ने राखी की थाली सजाई, कुमकुम, हल्दी, मिठाई, चावल, दीपक, राखी से थाली सजाई गई और अपने भाइयों की आरती कर उनको रक्षा के लिए बांध लिया, यानी राखी बांधी। रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले ही बहनें उत्साहित हो जाती हैं, उनके भाई का त्यौहार जो है, और अपने भाइयों के लिए अच्छी से अच्छी राखी खरीदने की तलाश शुरू हो जाती है। कीमत जो भी हो मायने नहीं रखती, बस भाई की कलाई पर अच्छी से अच्छी राखी या धागा बंधना चाहिए। लेटेस्ट राखी खरीदकर ही उन्हें संतुष्टि मिलती है। भाइयों की कलाई पर वह राखी सजा दी जाती है और भाई भी अपनी कलाई पर बहनों का प्यार बांधकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, गर्व होता है उनको। और कलाई पर सजाई राखियां को देख देख कर मंद मंद मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं और गर्व होता है। बच्चों के लिए राखी बहुत विशेष महत्व रखती है। बच्चे जब सुंदर सुंदर कपड़े और तैयार होकर त्यौहार मनाते हैं तो भारतीय संस्कृति पर गर्व होता है, क्योंकि राखी एक ऐसा त्यौहार है जो रिश्तों की अहमियत को दर्शाता है, भाई और बहन के प्रेम को दर्शाता है रक्षाबंधन। बल्कि जो भी मेरा ही है, जो मेरा है वो मेरी बहन का है ही है, उसके साथ आशीर्वाद दिया और जो इसने मांगा वो भी दिया और एक साथ में सूट लेके दिया। बल्कि जो इसकी खुशी हमारी खुशी है और जो मेरी है वो इसकी खुशी है। बाकी इसके ऊपर ब्लेस करे भगवान ही नहीं रखा। आज बहन ने तुम्हारे राखी बांधी है, तो क्या वचन देते हो बहन को? मैं बहन के दुख सुख में उसके साथ खड़ूंगा। और आज बहन को दिया क्या तुमने? बहुत सारा प्यार। वो हमेशा ही खुश रहें और मैं उनकी हमेशा सेवा करूं। और भी कुछ मांगा होगा आपने बहन के लिए? उनकी सारी मन्नतें जो भी वो मांगते हैं हमेशा पूरी हो और वो हमेशा खुश रहें और मुस्कुराएं। आज बहन को क्या दिया? जो वो मांगेंगे वो। बहुत सारे प्यार, बहुत सारे पैसे की शॉपिंग करे हो। और एक ये त्योहार माना जाता है भाई बहन का एक अटूट बंधन, इसके लिए आप क्या कहेंगे? रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार होता है जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा करता है और सदैव अपना आशीर्वाद बनाने की कोशिश करते हैं। आज भाई ने आपको दिया आशीर्वाद? हाँ जी दिया, मैंने भी दिया। क्या मांगा आपने भाई के लिए? उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करे, सक्सेस पाए और जो वो बनना चाहते हैं लाइफ में वो बने। बेटे रक्षाबंधन का त्यौहार है, आपने राखी बांधी है भाई के लिए, क्या दुआ की आपने? कि वो हमेशा बहुत खुश है, मेरा भाई है वो बहुत अच्छा है, उसने मुझे एक अच्छा सा सूट दिलाया है जो मुझे चाहिए था, भगवान उसकी बहुत सारी दुआएं दे। आज मुझे भाई ने ड्रेस लेके दिया है और एक गिफ्ट दिया है जो मैंने अभी खोला नहीं है,
गिफ्ट जो उसने मेरे को ड्रेस लेके दिया है वो मुझे बहुत पसंद आई है। क्या और क्या मांगा भाई के? बस वो खुश रहे अपने लाइफ में, जो वो चाहता है उसे वो मिले और अपने लाइफ में पूरी तरक्की करे, मेरी यही इच्छा है बस। हैप्पी रक्षाबंधन, रक्षाबंधन की मुबारकबाद। और इस हफ्ते हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आरंभ हुआ। मानसून सत्र 3 दिन का है, जिसको लेकर के विपक्षी पार्टियों द्वारा कई प्रदर्शन किए गए। इनका कहना था कि सत्र बहुत छोटा है, इसमें मुद्दों पर पूरी तरह से बहस नहीं हो सकेगी। पहले दिन ही कांग्रेस ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शन किया, और इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही हरियाणा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर बीजेपी के खिलाफ तमाम घोटालों को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा के बाहर हंगामा कर दिया। नेता विपक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम विधायकों ने हाईकोर्ट चौक पर इकट्ठे होकर हरियाणा बीजेपी और जेजेपी सरकार के खिलाफ पेपर लीक मामले समेत तमाम मुद्दों को लेकर मार्च निकाला। सभी विधायकों ने हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक पैदल मार्च किया। विधायकों के हाथों में बैनर पोस्टर, कांग्रेस के तमाम विधायक हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अलग अलग मुद्दों को उठाते हुए विधानसभा की एंट्री गेट पर पहुंचे और अपना प्रदर्शन किया। यहां पर इन विधायकों को एंट्री गेट पर रोका गया, पुलिस कर्मियों के साथ धक्कामुक्की हुई, बदसलूकी हुई। कांग्रेस विधायकों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, बैरिकेटिंग तोड़कर कांग्रेस विधायक अंदर घुसे। पुलिस के साथ धक्कामुक्की के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के तमाम विधायकों को सचिवालय के मेन एंट्री गेट पर रोके जाने को लेकर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नाराजगी जताई। हुड्डा ने कहा कि कोई भी पुलिस किसी विधायक को नहीं रोक सकती, इस मामले को सदन के अंदर भी रखा जाएगा और अपनी आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। बर्बादी की कगार पर है और जो राशन बांटने की बात कह रहे हैं, जो राशन हमारे समय में दाल भी मिलती थी, सरसों का तेल भी मिलता था, नमक भी मिलता था, वो भी बंद कर दिया। कह रहे 5 किलो हम गेहूं देंगे, अब 3 किलो गेहूं और 2 किलो बाजरा दे रहे हैं, और ऐसा अनाज दे रहे हैं जो जानवर भी ना खाए। 3 दिन का ही इसके समय से नहीं, मैं तो कहा इसको बढ़ाओ। आपने क्या मांग रखी थी सत्र को लेकर? मैंने कहा कम से कम 1 हफ्ता और चलो। ये बताएं कि सदन के अंदर कांग्रेस का क्या रवैया रहना, क्योंकि आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क पर भी। आवाज उठाएंगे, लोगों की आवाज उठाएंगे, हम लोगों ने भेज रखा है विपक्ष में, लोगों की समस्या, लोगों की आवाज जो आज आएगी स्थिति उसकी आवाज उठाएं। गृहमंत्री ने खुद ही CBI जांच की बात कह दी है, सरकार को पत्र लिखा है, आपको लगता नहीं कि मुद्दा कहीं आपसे छिन गया है? आएंगे ना सर, 35 कॉलिंग अटेंशन लगा लेते, क्या लगता सब पे चर्चा होगी, सरकार का कहीं ना कहीं रुख तो पता लग ही गया। प्रयास होगा हमारा और 0 आवर में उठाएंगे हम सब। और इस हफ्ते पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी को लेकर काफी ड्रामाबाजी देखने को मिली। पंजाब बिजनेस के दफ्तर में सुमेद सिंह सैनी पूछताछ के लिए, सहयोग करने के लिए पहुंचे थे। पंजाब बिजनेस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने फिर से सुमेद सिंह सैनी को रिहा कर दिया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुवार देर रात पंजाब के पूर्व DGP सुमेद सिंह सैनी को रिहा कर दिया गया। हाईकोर्ट ने पंजाब बिजनेस ब्यूरो द्वारा दी गई गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। सैनी को गुरुवार दोपहर 12:15 मोहाली कोर्ट में पेश किया गया और 12 बजे के बाद देर रात 2:15 बजे कोर्ट ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने मोहाली कोर्ट से सैनी के पुलिस रिमांड लेने की बिजनेस ब्यूरो की मांग को भी अनावश्यक करार दिया। हाईकोर्ट ने फैसले में सैनी को राहत देते हुए कहा कि इस मामले के अलावा स्टेट बिजनेस हेड, IGP और DGP रहते किसी मामले में गिरफ्तारी की जरूरत हो तो पहले 1 सप्ताह का नोटिस दिया जाए। ऐसे में 18 अगस्त को की गई गिरफ्तारी हाईकोर्ट के इन आदेशों की अनदेखी है। सुमेध सिंह सैनी को बुधवार देर रात पंजाब विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया था। पूर्व DGP आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। इस मामले में उन्होंने कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने अंदेशा जताया था कि विजिलेंस इस FIR के अन्य धाराएं जोड़कर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद पूर्व DGP सैनी बुधवार देर रात विजिलेंस टीम के पास जांच में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सहयोग ना करने पर उन्हें विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। बताया यह भी जा रहा है कि जिस समय सैनी जांच में शामिल होने के लिए पहुंचे थे उस समय उनके साथ उनका वकील भी था। सूत्रों की माने तो पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी को मोहाली विजिलेंस की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कुछ अन्य धाराओं को जोड़ते हुए गिरफ्तार किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने विजिलेंस की इन
धाराओं में गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए सैनिक को रिहा कर दिया। डायरेक्शन दिती है कि सुमेर सिंह सैनी की जिहड़ी कस्टडी सी इस केस च FIR नंबर 11 च इलीगल सी, अनजस्टिफाइड सी, अगेंस्ट वायोलेशन ऑफ द आर्मी हाई कोर्ट ऑर्डर सी, इस करके इन्हां नूं फोर्थ विद रिलीज किया जाए, दैट इज़ वन। सैकेंड इन्हां ने कहा जे इन्हां नूं दोबारा किसी केस च, इस केस च दोबारा इन्हूं जे तुसीं विजिलेंस चाहुंदी आ तां 7 दिन का प्रायर नोटिस दे के फिर ही इन्हां नूं बुला सकती है, अरैसट कर सकती है। बिना नोटिस तो हाई कोर्ट दी ऑर्डर दी उल्लंघना है, फ्लैगरेंट मिसयूज ऑफ द पावर बाय द पुलिस एंड मिसयूज ऑफ द पावर बाय द विजिलेंस, दिस इज द ऑर्डर प्रोनाउंस बाय द जज। आई एम कोटिंग व्हाट ही हैज स्टेटेड। नाउ द कंटेंट्स ऑफ द ऑर्डर जेडे आ होणगे विस्तार च, लंबा ऑर्डर आ, मैराथन आर्गूमेंट्स हुई 8 घंटे दी, इस करके ऑर्डर डिले होया, पर जज साहब ने अज ही ऑर्डर लिख के प्रोनाउंस किया। 11 च इन्हां दी कस्टडी जस्टिफाइड आ कि नहीं जस्टिफाइड, जदों इन्हां नूं पहला प्रोटेक्शन मिली आ इसे मुद्दे ते FIR नंबर 13 च, इको ही मुद्दे ते दोबारा दो FIR च इन्हां नूं अरैसट करना ये इलीगल आ, ये TT एंटनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की उलंघना ओदे डायरेक्शन दे अगेंस्ट आ सर, और एक जजमेंट एंड वी हैव आवर जुडिशरी, वी आई हेल द जुडिशरी हैज स्टूड एवरी टेस्ट। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जन आशीर्वाद यात्रा आरंभ हुई। चंडीगढ़ के सेक्टर 28 स्थित हिमाचल भवन से यह यात्रा आरंभ हुई। यहां पर भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं और हिमाचल के मंत्रियों का जम्मूवाड़ा देखने को मिला। हर्षोल्लास के साथ यह यात्रा का आरंभ हुआ। इस यात्रा के तहत अनुराग ठाकुर हिमाचल के विभिन्न प्रदेशों में जाएंगे, दूर दराज के क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। केंद्रीय युवा सेवा खेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा वीरवार सुबह हिमाचल भवन चंडीगढ़ से शुरू हुई। परमाणु में हिमाचल प्रदेश के दौरान अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के लिए हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत कई नेता हिमाचल भवन पहुंचे हुए थे। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, मंत्री सुखराम चौधरी, विधायक रीना कश्यप, जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह और सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ शामिल हुए। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री बनने के बाद 5 दिन के प्रवास पर पहली बार हिमाचल आ रहे थे। केंद्रीय मंत्री का सिरमौर जिले में कार्यकर्ताओं व नेताओं की ओर से हिमाचल भवन चंडीगढ़ में भव्य स्वागत भी किया गया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चंडीगढ़ में हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं तो दिखता है कि कांग्रेस और कुछ दल संसद में तो परिचय रुकवा सकते हैं, लेकिन लोगों का प्यार और आशीर्वाद में कमी नहीं आने वाली है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 5 दिन की यात्रा में चारों संसदीय क्षेत्र में जाएंगे और 623 किलोमीटर की यात्रा के दौरान हिमाचल के लाखों लोगों का प्रेम स्नेह लेकर आगे काम करने की ताकत मिलेगी। अनुराग ठाकुर ने संजय राउत के बयान पर कहा कि उन्हें लगता है कि कुछ लोग इस बात से खुश नहीं है कि मोदी जी अपने मंत्रियों का परिचय भी करवाएं क्योंकि वह गरीब परिवारों से आए थे। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था तो नए मंत्रिमंडल का अपना परिचय मोदी जी पूरी संसद से कराना चाहते थे, जिसमें बहुत सारे युवा चेहरों को, महिलाओं को, पिछड़े क्षेत्र से आने वालों को, पिछड़े समाज से आने वालों को, उन सबको मोदी मंत्रिमंडल में स्थान मिला, जो अपने आप में एक पहल थी और उनको नई पहचान भी मिली, नया काम करने का अवसर मिला। लेकिन कांग्रेस और कुछ राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री जी को मंत्रियों का परिचय तक संसद में नहीं कराने दिया। ये शायद हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पहली बार हुआ। लेकिन जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा, हम उनके पास मोदी जी के द्वारा दिए गए नए पद के बाद आशीर्वाद लेने आ रहे हैं और ये जनसमूह आपको दिखाता है कि किस तरह से मेरा मंत्री बनने के बाद हिमाचल की जनता के बीच में जाने के लिए अभी चंडीगढ़ में ही आगमन हुआ है और उसके बावजूद भी यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठे हुए, ये दिखाता है कि कांग्रेस और कुछ दल पार्लियामेंट के अंदर तो परिचय रुकवा सकते हैं लेकिन लोगों के प्यार और आशीर्वाद में कोई कमी नहीं आने वाली है।
ये दिखाता है कि इससे जनता का प्यार आशीर्वाद बढ़ेगा। मैं 5 दिन की यात्रा में हिमाचल के चारों संसदीय क्षेत्र में जाऊंगा और 623 किलोमीटर की यात्रा के दौरान हिमाचल के लाखों लोगों का स्नेह प्रेम आशीर्वाद जो मिलेगा उसको लेकर आगे और ताकत मिलेगी काम करने की, जनता की सेवा करने की। मैं यहां पर आए सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। मुझे लगता है कुछ लोग इस बात से ही खुश नहीं थे कि मोदी जी अपने मंत्रियों का परिचय भी कराएं, क्योंकि वो गरीब परिवारों से आए थे, पिछड़े हुए क्षेत्रों से आए थे, ऐसे समाज से भी आए जिनको पहले कभी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। वो चाहते ही नहीं थे कि इन लोगों का परिचय देश के सामने या देश के सांसदों के सामने हो, लेकिन ये जन आशीर्वाद यात्रा लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए है और जन जन के बीच में जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे और देश की सेवा करके भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भी बनाया, नए कृषि कानून भी लाए कि उनकी आय दुगनी हो, उनको आय में बढ़ोतरी हो। तो जो स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट आई थी उसको लागू करने का काम भी मोदी सरकार ने किया। आप तुलना करके कीजिए, कांग्रेस ने जितना 10 साल में खरीद के लिए पैसा खर्च किया उससे ज़्यादा मोदी सरकार ने 6 साल में पैसा खर्च किया। किसान को दाम भी ज़्यादा दिए, खरीद भी ज़्यादा की, पिछले 3 सीजन में भी वो ज़्यादा ही किया है। तो जिन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया था कि MSP बंद होगी, हमने उनको भी दिखा दिया आईना कि बंद नहीं हुई, पहले से ज़्यादा दिया। जब फर्टिलाइजर के दाम दुनिया भर में DAP के बड़े फर्टिलाइजर के, तो यहाँ पर भी मोदी सरकार ने दुगनी से ज़्यादा सब्सिडी देने का काम किसानों को किया है। किसानों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का हम लेकर आए पैसा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कि उनके खेत के पास ही ऐसा आधारभूत ढांचा बने जहाँ पर फैक्ट्री हो, कोल्ड स्टोरेज और बाकी सुविधाएँ हो, ताकि किसान की खरीद भी बेहतर हो और आय भी दुगनी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा आरंभ हुई, इसको लेकर किसानी संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 28 स्थित हिमाचल भवन के बाहर प्रदर्शन हुआ और किसानों ने जोरदार नारेबाजी की। चंडीगढ़ में केंद्रीय युवा सेवा एवं खेल व सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा वीरवार सुबह हिमाचल भवन चंडीगढ़ से शुरू हुई, लेकिन उन्हें किसानों का विरोध का सामना भी करना पड़ा। BJP मुर्दाबाद, अनुराग ठाकुर मुर्काबाद के नारे लगाए गए। तीनों कृषि बिल रद्द करने के नारे भी लगाए गए। पुलिस ने मोर्चा संभाला और इन्हें हिरासत में लेकर सेक्टर 26 थाने ले गई। लेकिन किसानों का कहना था कि जब तक BJP का विरोध करते रहेंगे जब तक कृषि बिल रद्द नहीं हो जाते, किसानों का विरोध जारी रहेगा। कोई भी BJP लीडर चंडीगढ़ में आएगा तो उसे किसानों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। BJP सरकार किसान और मजदूर विरोधी है। इस सरकार का विरोध वह लोग करते रहेंगे। यदि सरकार यह समझती है कि किसान थक हार कर घर को वापस चले जाएंगे तो यह सरकार की गलतफहमी है। जिवें कि अज आप जी ने पता ही सी संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल ते भी जेड़े भी कोई BJP का वड्डा लीडर आंदा उहदा असीं डट के विरोध करना है। अज सैक्टर 28 हिमाचल भवन दे विच अनुराग ठाकुर आया सीगा, असीं उहदा डट के विरोध कीता उत्थे सारिआं ने, ते साडी राज भैण बैठी है। इस राज भैन उन्होंने बहुत बुरे तरीके टोर्चर किया, बहुत गंदी शब्दावली वरती हैगी वास्ते। असी संयुक्त किसान मोर्चे को यह कहें भी इन लोगों से जोड़े गंदी शब्दावली वरतते हैं इन्हते कानूनी बनती कार्रवाई की जाए। तो असं चाहते हैं भी जिदा हम थाने चंडीगढ़ के इन्होंने टोल प्लाजे से जाना, वो तो वे वास्ते भी इन्ह BJP वाले का विरोध किया जाए। और इस हफ्ते निहंगों की फौज मटका चौंक पर पहुँच गई। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस की सांसें फूल गई। तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया। अंततः निहंग मटका चौक से जाने को तैयार हो गए, क्योंकि वह हिमाचल से चले गए और दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। बीच में जैसे ही उन्हें पता चला कि मटका चौक पर बाबा लाभ सिंह धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं तो वह उनसे मिलने पहुंच गए। इसके बाद निहंगों ने जाते जाते चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ पुलिस को चेतावनी भी दे डाली कि यदि बाबा लाभ सिंह उन्हें एक बार फिर बुलाएंगे तो वह फिर से यहां पहुंच जाएंगे। चंडीगढ़ में बुधवार दोपहर मटका चौक पर अफरा तफरी का माहौल बन गया जब यहां पर काफी संख्या में निहंग पहुंच गए। यहां निहंग सिख अपने घोड़ों और पूरे साजो सामान के साथ पहुंचे थे। चंडीगढ़ पुलिस को जैसे इसकी सूचना मिली तो चंडीगढ़ पुलिस के हाथ पांव फूल गए। काफी संख्या में पुलिसकर्मी यहां पर पहुंच गए। फिर शुरू हुई निहंग
सिखों को मनाने की कोशिश। हालांकि यह नियंग यहां से इस दौरान पूरे साजो सामान और अपने घोड़ों के साथ पहुंचे थे। ऐसा लग रहा था मानो यह मटका चौक अब अपना ही डेरा यहां पर यह नियंग जमाने वाले हैं। मौके पर डीएसपी सेंट्रल चरणजीत सिंह विर्क और एरिया के एसएचओ राम रतन शर्मा अपनी पूरी फोर्स के साथ पहुंच गए। वहां पर नियंग सिखों को समझाया गया, बताया गया। आखिरकार नियंग सिंहों ने बताया कि बहुत समय से वह यहां पर आना चाह रहे थे लेकिन पहुंच नहीं पा रहे थे। इस दौरान निहंग सिखों ने बताया कि वह दिल्ली मोर्चे पर जा रहे हैं लेकिन वह सुबह 4 बजे से हिमाचल से निकले हुए हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि मटका चौक पर बाबा लाभ सिंह बैठे हुए हैं सिखों के समर्थन में, तो निहंग उन्हें मिलने यहाँ पहुँच गए। अभी वह बहुत थक चुके हैं और अब उन अपने घोड़ों को भी आराम देना चाहते हैं, इसलिए वह यहाँ पर कुछ देर रुकने आए हैं। यहाँ से भोजन पानी करके वह दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वह यहाँ पर पुलिस प्रशासन के डर से नहीं जा रहे। अगर बाबा लाभ सिंह को उनकी ज़रूरत पड़ी तो वह एक बार फिर यहाँ पहुँच जाएंगे। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हिमाचल से चले यह निहंग सिख सिर्फ बाबा लाभ सिंह से पहुंचने के लिए मटका चौक पर पहुंचे, लेकिन इन सिखों निहंग सिखों को मनाने और समझाने के लिए भारी पुलिस बल को यहां पर पहुंचना पड़ा। पुलिस के हाथ पांव फूल गए, पुलिस गिड़गिड़ाती हुई नजर आई, लेकिन जाते जाते निहंग सिख चंडीगढ़ पुलिस को, चंडीगढ़ प्रशासन को साफ बोल कर गए कि वह किसी के डर से यहाँ से नहीं जा रहे, चाहे तो यहाँ पर अपना कब्जा भी जमा सकते हैं, लेकिन फिलहाल वह दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। चल जी आप पाना वाला पड़ाव करते हैं जी, आप चले हुए सवेर के जंगल 4 बजे चले गए हैं उपर पिंड मसौल तो 4 बजे घोड़े 4 बजे घोड़े भी पजाए भी आप भी घोड़े कट्ठियाँ तो फिर रस्ते पड़ाव करना पैंता जी। आप घोड़े रैसट कराना, जल पानी छकाना, घोड़िया आप भी लंगर पानी छकना, तो रैसट करना, दुबारा चढ़ाना, दुबारा की मर्यादा पूरी करनी है लंगर पानी की जी, आए गए लंगर पानी छकाना जी। उस उपरंत ये जो बाबर आते हैं सरकार ने बाबर छड़े हुए हैं अपने तंग करते, आप फिर भी उन्हें बख्शिश करते हैं। चलो कोई नहीं, ये सारे कोई गलत नहीं है, अपने साथ देते हैं ड्यूटी है। चलो आप भी ये लोड़े प्रेशर पाना चाहते पर आप दबते तेन तो है नहीं। चलो आप फिर भी अपन चल पाना पैंता पंथ के नाल महाराज के नाल गुरु ग्रंथ साहब के नाल जिंदा उसकी आग्ञा हुई आप उदा ही चलते हैं जी। उस तो बाहर नहीं मरा तो बाहर आप नहीं चल सकते जी, इस करके आप चाले पा लगे हैं भी अपने वजह से बाबा लाभ सिंह का पड़ाव अगे पिछले ना हो जाए क्या हो जाए, अपना अपनी मेहनत करी भी ना डुब जाए पानी से असते और बचाओ करना अपने खालसे का जी। बाकी आम बंदे भला ही करते हैं, अपना किसी का बुरा किते नहीं अज तक जी, ना करते हैं जी। खालसा पंथ है जी, जगारे जाए पते पावे नहालो जावे झोलदे निशादां नूं भावे, सत श्री अकाल गुरबरकाल देख तेग फतेह, पंथ खालसे की हर दीवाने हर मैदाने फतेह, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अपना चंडीगढ़ पड़ाव करना अगे, चंडीगढ़ चाह आप इतें ही हाँ, अगला पड़ाव करना जी जान चले टाले पाने लगे हाँ। बापा जिते महाराज का हुक्म उत्थे बह जाना, चल चंडीगढ़ अपना सारा पंजाब अपना पूरा हिंदुस्तान अपना पूरा देश अपना खालसेगा। हाँ जी पहले भी जाके आए हूँ भी लाल किले से महाराज जी इतने पूरा गुजाया अपना सारा मोर्चा फतेह खड़े जवान आ जाओ जी शेयर कर माड़ा जा पाना, ये साढ़े साथी खड़े ने छोटे छोटे बच्चे जवाक अपने इन्हें लाल किले ने जितया जी झंडा लहराया वो अपन पता कर दूंगा जी हो जाएगा अपन पता लग जाएगा नाल खून 24 घंटे अपने नाल जत्थी भी अपना पड़ा करूँगा तुम्हारी मीडियो जरूर होगी तुम्हें बड़े प्यार पानी है देश विदेशों पजानी है यह गल भी खालसा धर्म बहुत अच्छा जी ये लंगर लाता गरीब अखा की रखा करता है गौ की रख्या करता इन्होंने वास्ते खालसा पंथ सजा महाराज ने इदा नहीं सजा हुआ है बाणा बाणा ऐ नहीं मिलता है ये हुक्म आता महाराज अपनों धुर दरगाही बाणा है महाराज का है अमर शहीद बाबा दी सिंह के पुत्र ने माता साहब के मां सचखंड के वासी ने आप किसी लड़ते नहीं भजते नहीं महाराज आप उसकी खालस की राज खालस चलता है मुद्दे मैं कहते राज खालस का जहाँ है नहीं है अनपढ़ता पढ़ते हैं ज्ञान तो पढ़ते नहीं है पुलिस का तो इदा देखो पुलिस ने अपनी ड्यूटी करनी होंगी है पर जो महापुरश इतने आए हैं बाबा अमन सिंह जी जथेदार साहब निहंग सिंह फौजा ये फौजा पिछों कित पड़ाव तो आ रही थी इतने आके इन्होंने कुछ देर का ठहराव किया प्रशासन में हो गया भी शायद पक्का मोर्चा ला लिया इतने क्योंकि साडा पक्का मोर्चा जो किसानी अंदोलन का इतने चलता तो दूजी गल यह है भी असं प्रशासन भी यह गल कहना चाहेंगे कि सानू इदा के मोर्चे लाने की लड़ क्यों पवे कि पुलिस की ड्यूटी सिर्फ साढ़े नाल आके हर रोज़ टकराव करन दी है उन्होंने होर ड्यूटियां कोई नहीं मचिया तुसी साढ़े कानून रद्द करो असी आपके घर जाइए सानू की लोड़ है सड़कां ते रुलन दी इत्थे बह के असी क्यों इत्थे धरने प्रदर्शन करिए आ दल पंथ इत्थे आया घोड़े आ गए सारा कुछ आ गया प्रशासन भी भजना पै गया असी भी इत्थे खड़े हाँ हुण मौके ते भी कोई सिचुएशन खराब ना होवे लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करवाइए नाल होके असी कि इस देश के नागरिक नहीं है असी भी तो इस देश के बछिंदे हाँ पहला धरने प्रदर्शन होंगे सी कोई मंग होंगी सी कोई ना कोई सरकार का नुमाइंदा आके मंग पत्र लेके चला जाता सी गल मन ली जाती सी
हुण तां धरने प्रदर्शन का मतलब ही नहीं रहा। तुसीं ला लो 8 महीने तो उपर दिल्ली का मोर्चा चलदिआं हो गए, साल के करीब पंजाब के मोर्चिआं नूं चलदिआं हो गया, आ साडा इत्थे 8-9 महीने के करीब साडा मोर्चा चलता हो गया मटका चौंक ते। सरकार नूं कोई उन्हां दे कन्न दे जू नहीं रेंग रही, उन्हां नूं हुण इह गल समझ लैणी चाहीदी कि असीं वी इसे देश दे नागरिक हाँ। लोगों नूं मजबूर ना करो कि लोग कानून नूं हत्थां दे विच लैण। अगला हर बंदा सोच रहा है कि असीं भुख दे दुखों दा मरे जाणा, क्यों ना लड़के मर जाइए, फिर मरता सी वैसे भी रहे हैं। तुसीं महंगाई नाल मारते आ, तुसीं बेरोजगारी नाल मारते आ, हुण जदों गल साडी रोटी दी आ गई, हुण तुसीं सानूं रोटी वी साडी खोण लगे हो। इह तों बाद तां फिर अंत ते खुदी दा वैर हुंदा। इह गल हुण सरकार नूं समझ लैणी चाहीदी, या तां तिन्ने कानून वापस कीते जाण, MSP गरंटी कानून दित्ता जावे, नहीं संघर्ष जिहड़ा अगे तिखा हुंदा जाएगा। महापुरशां वल्लों इह वी बेनती है कि अज सिर्फ इक ट्रेलर तुसीं समझ सकदे हो कि महापुरश अज लंघदे होए इत्थे दर्शन दे के गए आ, कल नूं जे प्रशासन साडे नाल कोई धक्का करदा, कोई जबरदस्ती करदी, मोर्चा इत्थे पक्का वी लग सकदा। असी महापुरशां नूं बेनती की है कि साडा जिहड़ा मोर्चा है सिंबोलिक प्रोटेस्ट है साडा, ते साडा इह मोर्चा खराब ना होवे, इस करके असी उहनां नूं बेनती की है ते उह हुण अगे चाले पाउण लगे। पंजाब कांग्रेस के महासचिव का पद प्रगट सिंह ने संभाला है। चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जहाँ पर उन्हें कारोबार संभाला गया। इस अवसर पर प्रगट सिंह ने कहा कि वह सभी को साथ लेकर काम करना चाहेंगे। जलंधर से विधायक और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान प्रगट सिंह ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव का पदभार संभाल लिया है। इसके लिए प्रगट सिंह मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन पहुंचे। इस दौरान सिद्धू और प्रगट सिंह समर्थक विधायक भी मौजूद रहे। पदभार संभालने के बाद प्रगट सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू का आभार जताया, साथ ही अपने पहले संबोधन में ही इरादे भी स्पष्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि वे सबको साथ लेकर चलेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाना ही उनका लक्ष्य और प्राथमिकता है। सिद्धू ने प्रगट सिंह को पार्टी का महासचिव बनाकर पंजाब कांग्रेस में बड़ा संकेत भी दिया है। साफ कर दें कि संगठन में अब उनकी ही चलेगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को सुबह ट्वीट भी किया और प्रगट सिंह को पंजाब कांग्रेस का महासचिव बनाए जाने की जानकारी दी। इससे पहले कहा गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव KC वेणुगोपाल और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत की स्वीकृति के बाद ही प्रगट सिंह को तुरंत प्रभाव से पंजाब कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया है। और साडे पंजाब दे इंचार्ज हरीश रावत, मेरा कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े साडे पार्टी दे चीफ मिनिस्टर, मैं सारिआं दा साडे जिहड़े वर्किंग प्रधान है, जिन्ने भी सीनियर लीडर आए हैं, मैं उन्हां सारिआं दा धन्नवाद करदा, क्योंकि मेरा काम ऑर्गेनाइजेशन दी सैटअप स्ट्रेंथन करने लग्या और मैं अपनी पूरी तनदेही नाल कोशिश करूँगा कि सारे जिन्हें वर्कर्स हैं, जिन्हें साढ़े जिला प्रधान, जिन्हें ब्लॉक प्रधान है, जिन्हें साढ़े अलग अलग सेल्स जोड़े है, उन्होंने मीटिंग्स करके जो बेस्ट पॉसिबल हैगा इस ऑर्गनाइजेशन को सैटअप को तकड़ा करिए, क्योंकि जिम्मेवारी बहुत बड़ी है और इस जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी और जितनी मेरी एक्सपर्टीज हैगी है, क्योंकि मैं काम ही ऑर्गनाइजेशन के चाहे डायरेक्टर स्पोर्ट्स के तौर पर किया, चाहे पुलिस ऑफिसर के तौर पर किया, चाहे जिहड़ा वो एज MLA और हिंदुस्तान की जिहड़ी कप्तानी 10 साल की है, क्योंकि वह जिन्ना भी मेरे को एक्सपीरियंस है और मैं सारी टीम को नाल लैके, क्योंकि गिले शिकवे भी होंगे किसी ना थोड़ा बहुत वध घट भी लिया होंगे, लेकिन मैं जिन्हें साडे पुराने तो पुराने वर्कर है लीडर्स है, मैं उन्होंने सारे बेनती भी करता कि आप सारे रल के। और जीरकपुर जीवू में बन गया है डायनासोर पार्क भी। 5 करोड़ की लागत से यह डायनासोर पार्क बनाया गया है, जिसमें डायनासोर के विभिन्न प्रजातियों को प्रदर्शित किया गया है, लेकिन साथ ही अब छतबीर जू की टिकट का रेट भी बढ़ गया है। जीरकपुर के नज़दीक छतबीर जू में अब टूरिस्ट को डायनासोर के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। शनिवार को डायनासोर पार्क पब्लिक के लिए खोल दिया गया। इसको बनाने में करीब 2 साल लगे हैं। इसकी शुरुआत मंत्री के हाथों से की जानी थी, लेकिन वह नहीं आ सके। जू के अंदर 2.5 एकड़ एरिया में डायनासोर पार्क करीब 5 करोड़ रुपए से बनाया गया है। इसे खास तौर पर बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। डायनासोर में ये मॉडल रोबोटिक हैं, यानी हिलते डुलते हैं और लगता है कि जुरैसिक युग के जानवर यहाँ पर जिंदा हो गए हैं। लुप्त हो चुके डायनासोर को जिंदा रखना तो मुश्किल है, लेकिन डायनासोर के मॉडल रोबोट को देखकर तैयार किए गए हैं। एंट्री गेट पर डायनासोर के शेप में मॉडल तैयार किया गया है। पार्क में घुसते ही एक
टॉकिंग ट्री लगाया गया है जिसमें सेंसर लगा हुआ है। जैसे ही विजिटर्स इसके पास पहुंचते हैं इसमें से आवाज आती है, छतबीड़ जू के डायनासोर पार्क में आपका स्वागत है, जिसमें डायनासोर्स की अलग अलग प्रजातियों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। यह पंजाब का दूसरा डायनासोर पार्क है। इससे पहले कपूरथला के पुष्पा गुजराल साइंस सिटी में डायनासोर पार्क बनाया गया है। छतबीड़ जू में एंट्री के लिए टिकट महंगी कर दी गई है। मंगलवार को नए रेट पर टिकट मिलेगी। पहले 80 रुपये में एंट्री होती थी, अब 100 रुपये में टिकट मिलेगी। डायनासोर पार्क के साथ साथ एक नया आकर्षण होगा अल्टर हाउस। यह दुर्लभ किस्म के अल्टर हाउस यानी कि ऊदबिलाव देखे जा सकेंगे। पंजाब में ब्यास नदी में ऊदबिलाव पाए जाते हैं। ऊदबिलाव को एक पारदर्शी शीशे के अंदर पानी में रखा जा सकेगा। इस कंपनी ने इस पूरे डायनासोर थीम पार्क को बनाया है जी। सो ये हमारा दूसरा डायनासोर पार्क है पंजाब रीजन में। तो हमारा पहला जो पार्क हमने बनाया था वो पुष्पा गुजराल साइंस सिटी कपूरथला में था जी। ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है और हम ऐसे थीम पार्क्स इंडिया में काफ़ी सारे बनाते हैं। सर, इस एरिया का नाम बताना क्या है और ये पार्क के नाम किस नाम से रखा हुआ है पार्क? ये जो पार्क है ये छतबीड़ जू के अंदर है, छतबीड़ जू के कंपाउंड के अंदर है और इस पार्क को हमने छतबीड़ के नाम से ही रखा है जो कि है छतबीड़ डायनासोर पार्क जी। क्या खासियत है इसकी? इसकी खासियत यह है कि जैसे आप एंट्री करेंगे एंट्री से एग्जिट तक आपको पूरा डायनासोर फील मिलेगा। इसमें एक थीम हमने क्रिएट किया है जहाँ पे अलग अलग 5 जोन बनाए हैं हमने। तो हर एक जोन में आपको इंटरैक्टिव डायनासोर्स मिलेंगे। इंटरैक्टिव डायनासोर्स इन द सेंस कि सारे डायनासोर्स आपके गेस्ट्स या जो भी पेटर्न्स हमारे आएंगे उनके साथ ये डायरेक्ट इंटरैक्शन करेंगे। एक एक जोन की बात की जाए तो एक एक जोन में जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या क्या खासियत है इनमें? देखिए इनमें जैसे हमने पहला जो जोन है इसमें एक हम वेलकम के लिए एक टॉकिंग ट्री रखा हुआ है जो कि हमारे गेस्ट्स को हिंदी और पंजाबी में वेलकम करते हैं। उसके बाद हमने एक्सकर्वेशन साइट्स रखे हुए हैं जैसे कि डायनासोर के अंडे हैं, डायनासोर के स्केलेटन है, ये एक जोन बनाया है। फिर दूसरा जोन जो है वो हमारा मेज वर्क एक हमने बनाया है जो कि भूल भुलैया आप बोल सकते हैं उसको, एक भूल भुलैया है। उसके बाद एक ब्रेकआउट एरिया है जहाँ पे गेस्ट हमारे वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बैठ सकते हैं। एक सेल्फी बूथ हमने बनाया हुआ है वो है। उसके बाद हमारे काफ़ी सारे जोन्स हैं जिसमें अलग अलग डायनासोर्स हमने रखे हुए हैं। जैसे कि पहला वाला है हमारा डिल्फोसोरस, फिर टेट्राडॉन, फिर वेलासीरैप्टर, उसके बाद मेमेंशिसोरस एंड देन द टीरेक्स। ठीक है, उसके बाद जैसे एग्जिट पे आप आते हैं तो काफ़ी बड़ा एरिया है, ऑलमोस्ट लाइक 2.5 एकड़ का एरिया ये है पूरा पार्क जिसमें हमने बनाया है। तो इसको कवर करने के बाद काफ़ी थक जाते हैं कस्टमर्स और गेस्ट, तो हमने उसके लिए वहाँ पे एक प्ले जोन बनाया हुआ है। तो वहाँ पे 3-4 प्ले इक्विपमेंट्स हमने लगाए हैं जिसमें बच्चे आराम से खेल सकते हैं। टोटल कितने यहाँ पे डायनासोर्स देख सकते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 डायनासोर्स जिसमें आपका जो टेराडोन और डॉन है उसमें 3 तरीके के डायनासोर आपको दिखाई देंगे बोर्ड वॉक के ऊपर। क्या पब्लिक को यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा आके? जी, यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा टिकट काउंटर नहीं बिठाया है, जो भी चार्ज है जू वाले अपने वहाँ से चार्ज कर रहे हैं। तो ये थी शहर में ऐसी घटित खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है, और ऐसी ही खबरों को जानने के लिए, अपने शहर की खबरों को जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, और रोशन भव में देखिए सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, ऐसी ही बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी रोशन भव में। तो सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।